वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 74 से। यूनिट 6 का कुछ सॉल्व प्रोग्राम डिस्कस करना बाकी था, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 3 मार्क्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर, यूज math.max। तो देखो math.max को यूज़ करके कैसे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स हम आउटपुट में देते हैं, उसका प्रोग्राम दिखाया है। फर्स्ट कमेंट लाइन, उसके बाद इंपोर्ट java.util.star, उसके बाद देखो क्लास नेम, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन स्कैनर क्लास का लाइन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, नेक्स्ट एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर को ए बी और सी में पढ़ा है, ठीक है, रीड किया है। नेक्स्ट डी इक्वल टू math.max ए कॉमा बी, मतलब ए और बी में से कौन सा बड़ा है वो डी में आ रहा है। अब देखो पी इक्वल टू math.max सी कॉमा डी, मतलब जो थर्ड नंबर है उसके साथ ए और बी का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका एक कंपैरिजन हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, और इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो पी में सेव होगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू पी, ऑब्वियसली ए और बी का जो बड़ा है वो डी में गया, फिर डी और सी का जो बड़ा है वो पी में गया, तो ऑब्वियसली पी में तीनों नंबर में से ग्रेटेस्ट जो नंबर है वही गया है, तो वही प्रिंट कर रहे हैं, वही तो आउटपुट लेना था हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो आउटपुट निकल गया, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है, आउटपुट दिया है। देखो मान लो कि 56, 92 और 34 दिया है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 92, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम 2, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड टेकिंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज इनपुट। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट को इनपुट में लेना है, फिर डायगोनल का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले कमेंट लाइन, फिर इंपोर्ट java.util.star, ये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है, फिर पब्लिक क्लास डायगोनल, ये क्लास नेम है, नेक्स्ट पेज में जाओ ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, दो टाइप के वेरिएबल है इंट और डबल, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, तीनों को रीड कर रहे हैं एल बी और एच में, देन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो math.sqrt, ठीक है, स्क्वायर रूट निकलना है तो इसलिए math.sqrt, ब्रैकेट में एल इंटू एल प्लस बी इंटू बी प्लस एच इंटू एच, ठीक है। डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट करके डी में सेव करेगा, फिर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू डी, प्रिंट कर दिया। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है, आउटपुट भी दे दिया। 12, 10 और 8 लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो डायगोनल देखो 17.54992877478424545, मतलब डबल में लिया है, डायगोनल का जो वेरिएबल है वो डबल टाइप का है इसलिए इतना बड़ा नंबर दिया है आउटपुट में, मतलब डेसिमल के बाद भी बहुत सारा प्लेस लिया है, ठीक है। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 एंगल्स, दैट इज 30, 45 एंड 60 इन डिग्रीज, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ साइन 30, cos 60 एंड tan 45, ठीक है।
180 डिग्री इक्वल टू 22/7 रेडियन, ये बोल दिया है। तो देखो पहले कमेंट लाइन, फिर क्लास डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन। ठीक है, बहुत सारा वेरिएबल लिया है। नेक्स्ट इधर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट एंगल्स इन रेडियंस, ये कमेंट लाइन में लिखा हुआ है। मतलब ये समझा रहा है यूज़र को कि एक्स वाई और जेड में क्या हो रहा है। देखो 22/7 इंटू 180 इंटू एम, 22/7 इंटू 180 इंटू एन, 22/7 इंटू 180 इंटू पी, तो तीनों ही रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द ट्रिकोनोमेट्रिकल वैल्यू आर, ये तो मैसेज की तरह प्रिंट होगा। नेक्स्ट पेज में जाओ, फिर तीनों वैल्यू को देखो, इधर प्रिंट कर दिया साइन एक्स कॉस वाई टेन जेड। ठीक है, सारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देखे प्रिंट कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, आउटपुट भी दिया है। अब नंबर फोर देखो, write a program to input a number and evaluate the result based on the number entered by the user. Natural logarithm of a number, absolute value of a number, square root of a number, cube of a number, random number between 0 and 1. तो ये सारे calculate करना है। इस type के question ICSE 2006 में आया था। अब देखो कैसे कर रहा है, पहले कमेंट लाइन, फिर इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल वाला लाइन, फिर पब्लिक क्लास का डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं हम इंट से, देन एंटर अ नंबर, ये एसओपी में प्रिंट किया और जो नंबर दिया है उसको ए में रीड किया। ठीक है, अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस, ये एक मैसेज की तरह प्रिंट होगा। फिर देखो नेचुरल लॉग ऑफ प्लस ए प्लस इक्वल टू प्लस मैथ डॉट लॉग ए, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ ए इक्वल टू लॉग का वैल्यू। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू मैथ डॉट ए बी एस, में ए का जो वैल्यू है वो दे रहा है। फिर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी ए, ठीक है, ए का स्क्वायर रूट भी दे रहा है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यूब ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब ए का क्यूब भी दे रहा है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 आर, नेक्स्ट पेज में जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट रैंडम, मतलब 0 और 1 के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू भी दे रहा है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है, अगर कंपाइल करके रन करोगे तो ऐसा आउटपुट आएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 5, यही लास्ट प्रोग्राम है इस यूनिट का। देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इज कैलकुलेटेड एज ए बी इक्वल टू रूट ओवर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बाई टेकिंग द कोऑर्डिनेट एज इनपुट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स को इनपुट के तरह लेना है और फिर ए बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये कमेंट लाइन है, मतलब हेडिंग है। नेक्स्ट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये इम्पोर्ट कर रहा है जावा डॉट यूटिल को। नेक्स्ट पब्लिक क्लास डिस्टेंस, ये क्लास डिक्लेरेशन लाइन है। ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मेन डिक्लेरेशन लाइन है। ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, नेक्स्ट स्कैनर क्लास वाला लाइन, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, दो टाइप के वेरिएबल लिए है इंट और डबल, देन
system dot out dot println, enter the value of coordinates x1, y1, x2, y2. ठीक है, चारों को रीड कर रहा है x1, y1, x2, y2 में. नेक्स्ट p इक्वल टू मैथ डॉट पाव y2 माइनस y1 कॉमा 2, मतलब मैथ डॉट पाव y2 माइनस y1 जो आएगा आंसर उसका स्क्वायर. ठीक है, प्लस मैथ डॉट पाव x2 माइनस x1 देन कॉमा दे के 2, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही कैलकुलेट हो रहा है p में. देन देखो d इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी पी, मतलब रूट ओवर p. ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आया उसका रूट ओवर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, मतलब स्क्वायर रूट. नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल टू d. ठीक है, तो दो पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट हो गया. ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास. ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ, आउटपुट देखो. x1 दिया है 4, y1 दिया है माइनस 3, x2 दिया है 5 और y2 दिया है 6. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखो 9.055, 385, 138, 137, 417 ऐसे आया. ठीक है, डबल लिया है वेरिएबल को इसलिए इतना बड़ा वैल्यू आया. ठीक है, तो इधर प्रोग्राम ख़त्म हो गया. अब देखो मैथमेटिकल फंक्शंस एट ए ग्लांस. तो इस यूनिट में जितने सारे मैथमेटिकल फंक्शंस है उसका एक समरी इस चार्ट में दिया है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. अगर तुम लोग एट ए ग्लांस रिविजन करना चाहते हो तो ये बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 6 ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे. बाय.